Very good morning, dear students. तो आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 28, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स. दीज आर सम वर्ड्स विच आर वेरी कन्फ्यूजिंग. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. डू नॉट डैश वॉटर, वॉटर इज प्रेशियस. ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं वेस्ट और वेस्ट. दोनों को ही वेस्ट कहा जाता है, लेकिन इस वाले वेस्ट का मतलब है कमर और इस वाले वेस्ट का मतलब है व्यर्थ, गवाना, बर्बाद करना. तो यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट होता है? ये वाला कि पानी को बर्बाद मत करो. पानी जो है वो बहुत कीमती होता है. द लास्ट डैश ऑफ द जगलर वॉज सिंपली अमेजिंग. फीट, फीट, बोथ आर कॉल्ड फीट. इसका मतलब है पांव और इस फीट का मतलब है स्किल. स्किल मीन्स क्या होता है? कौशल, कोई क्वालिटी होना, कोई योग्यता होना. तो जगलर, जगलर कौन होता है? आपने देखा होगा मैजिक शो में या जैसे मदारी खेलता है, ये बॉल्स को जगल करते हैं, काफ़ी सारी बॉल्स को एक साथ उछालकर, एक एक करके उछालते और पकड़ते जाते हैं. तो जगलर का जो स्किल है वो बहुत अमेजिंग, बहुत अद्भुत था. तो यहाँ पर ये वाला फीट वर्ड फिट होगा इस सेंटेंस में. Where did you dash your water bottle? आपने अपनी वाटर बॉटल कहाँ डैश की? ये दो वर्ड्स हैं, दोनों को ही लूज कहा जाता है, LOSE और LOOSE. जो LOOSE लूज वर्ड है इसका मतलब है ढीला होना, और LOSE लूज इसका मतलब है खो जाना, कोई चीज गुम जाना, ठीक है, या कोई चीज खो देना, कोई चीज गुम हो जाना. तो आप पूछ रहे हो कि आपने अपनी वाटर बॉटल कहाँ गुम कर दी, तो ये वाला लूज इसमें आएगा. सम चिल्ड्रन वर डैश फॉर कमिंग लेट टू स्कूल. कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल में लेट आने के लिए फाइन किया गया. फाइंड, इस फाइंड का मतलब है पाना, और ये वाला फाइंड है कि उसको फाइन लगाया गया, फाइन किया गया. तो हम इसको ये वाला फाइंड फिल करेंगे इसमें. नेक्स्ट वन, Describe the dash in a crowded market in a short paragraph. इस सीन को, जो क्राउडेड मार्केट का सीन है, इसको एक छोटे से पैराग्राफ में डिस्क्राइब करो. ये सीन, इसका अर्थ है नज़ारा, और ये वाला सीन इसका मतलब है देखा हुआ. तो यहाँ पर नज़ारे को, आपको कोई सीन देखकर उसको डिस्क्राइब करना है, तो SCENE ये वाला सीन आएगा इसमें. Did you dash any great athlete there? क्या तुम वहाँ किसी महान खिलाड़ी से, महान धावक से मिले? मीट, इस मीट का मतलब है मांस, और ये वाला मीट है मिलना, तो इसमें मिलने वाला मीट आएगा. कुड यू फाइंड द डैश ऑफ दीज नंबर्स? सम, SOME सम का मतलब है कुछ, और इस सम का मतलब है टोटल, कुल. कैन यू फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स? इन नंबर्स का टोटल फाइंड आउट करना है, तो SUM फिल करेंगे इसमें हम. He dashed that he had made a mistake. वो जानता था कि उसने एक गलती की है. इस new का मतलब नया है, और ये new है no की second form. आपको three forms of the verb मैंने कराई थी, no, new, known. No का मतलब होता है जानना, new का मतलब है जानता था. वह जानता था कि उसने एक गलती की है. Read the following sentences. Some are right and some are wrong. ये sentences में कुछ sentences ठीक हैं और कुछ गलत हैं. राइट सेंटेंसेस के लिए हमें आर लिखना है, रॉन्ग सेंटेंसेस के लिए हमें डब्ल्यू लिखना है. और जो रॉन्ग सेंटेंसेस है उसमें रॉन्ग वर्ड को अंडरलाइन करके करेक्ट वर्ड को इस ब्लैंक के अंदर लिखेंगे हम. द होल क्लास इज प्रेजेंट टुडे. होल, इस वाले होल का मतलब होता है छेद. तो ये वर्ड इस सेंटेंस में फिट नहीं होता है. यहाँ पर कौन सा होल आएगा? WHOLE, जिसका कि मतलब होता है पूरा, पूरे का पूरा. पूरी क्लास आज प्रेजेंट है. तो ये सेंटेंस राइट नहीं है, रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर W लिखेंगे और इसको अंडरलाइन करके वी विल पुट द करेक्ट वर्ड हियर. दिस रोड लीड्स टू एयरपोर्ट. यह सड़क एयरपोर्ट तक जाती है, लेकिन इस वाले रोड का मतलब सड़क नहीं होता. रोड की स्पेलिंग होते हैं ROAD. ही बॉट दिस बेल्ट इन ए सेल. उसने ये बेल्ट सेल में खरीदी. दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ये राइट है. इट इज़ अ बैड हैबिट टू डैश एट समबॉडी. किसी को भी घूरना, ये एक बुरी आदत है. तो घूरने की इंग्लिश क्या होती है? स्टेयर. जो यहाँ पर स्पेलिंग लिखे हुए हैं, इस स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ियाँ,
तो यहाँ पर एस टी ए आर ई आएगा, इसको हम करेक्ट करके लिखेंगे इधर। हाउ मच इज़ द ट्रेन फेयर फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर, लखनऊ से कानपुर तक का ट्रेन का किराया कितना है, एफ ए आर ई, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसका मतलब होता है किराया। वी विल गो आउट इफ़ द वेदर इम्प्रूव्स, हम बाहर तभी जाएंगे अगर मौसम ठीक हो जाता है, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। द बॉल हिट द विंडो पेन एंड ब्रोक इट, बॉल ने खिड़की के कांच को हिट किया और तोड़ दिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दिस नाइफ इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, यह चाकू स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, इसमें ये स्टील के स्पेलिंग जो है ये रॉन्ग है, इस स्टील का मतलब होता है चुराना, एस टी ई ए एल, इसका मतलब है चोरी करना, और यहाँ पर कौन सा आएगा, स्टेनलेस स्टील जो मेटल स्टील होता है, एस टी डबल ई एल, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज सिनोनिम्स, हेयर आर गिवन सम वर्ड्स, 16 वर्ड्स आर गिवन, तो वन वर्ड को आप लिखो और उसका सिनोनिम ढूंढ के यू हैव टू राइट इन द बॉक्सेस। लुक एट दीज, फर्स्ट वन इज टाइनी, टाइनी का मतलब क्या होता है, छोटा, तो सिमिलर वर्ड वाला मीनिंग ढूंढेंगे। ये थर्ड सेंटेंस में स्मॉल, स्मॉल का मतलब भी होता है छोटा, तो दोनों सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को हम एक साथ लिखेंगे, जिन वर्ड्स के मीनिंग सिमिलर होते हैं उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं, जिन दो शब्दों का मीनिंग एक जैसा हो, सेम मीनिंग हो जिन वर्ड्स का, दे आर कॉल्ड सिनोनिम्स। तो आप जिस जिस को यहाँ पर लिखते जाएंगे उसको आप पेंसिल से छोटा सा टिक मार्क कर देना, जैसे टाइनी और स्मॉल हो गया, इसको आप टिक मार्क कर देना, ठीक है। दीज आर ओवर। थिन, थिन का मतलब होता है पतला, और थिन के नीचे लिखा हुआ है लीन, लीन का मतलब यही होता है कि बहुत कमजोर या बहुत पतला, राइट। नेक्स्ट वन इज हेल्प, तो यहाँ पर लिखा है असिस्ट, हेल्प का मतलब भी मदद करना और असिस्ट का मतलब भी मदद करना। पाइल, पाइल का मतलब होता है ढेर, और पाइल का सिनोनिम है हीप, दोनों वर्ड्स का मीनिंग है ढेर। नेक्स्ट वन इज फास्ट, जल्दी से, और क्विक का मतलब भी जल्दी से, फास्ट एंड क्विक। तो जिन जिन वर्ड्स को हम यहाँ लिखते जाएंगे इनको यहाँ से टिक मार्क करके आउट करते जाएंगे। नेक्स्ट वन इज डल, डल का मतलब क्या होता है, बेरंग, मतलब कि बोरिंग, तो डल और बोरिंग दोनों सिनोनिम्स हैं। अगला है प्रेटी, प्रेटी का मतलब प्यारा, सुंदर, प्रेटी का सिनोनिम है ब्यूटीफुल। पेरिल, पेरिल का मतलब होता है जोखिम, जोखिम लेना या कोई खतरा होना, इसका सिनोनिम है डेंजर। सो दीज वर द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स वर्ड्स। सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल बाय फिलिंग इन वर्ड्स हैविंग मीनिंग सिमिलर टू द गिवन क्लूज, ये भी सिनोनिम्स हैं। जैसे ये क्रॉसवर्ड पजल आपको मैं कई सारे करा चुकी हूँ, अक्रॉस देखेंगे पहले, काम, काम का मतलब क्या होता है, शांत, तो काम का सिनोनिम पीसफुल, पी ए सी ई एफ यू एल। नेक्स्ट है रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, आंसर, आंसर का मतलब भी उत्तर देना। हरी, हरी का मतलब जल्दबाजी, जल्दी, हेस्ट, हेस्ट का मतलब भी जल्दी होता है। स्टार्ट, किसी चीज को शुरू करना, तो स्टार्ट का सिनोनिम वर्ड है बिगिन, बी ई जी आई एन, बिगिन। इन सब वर्ड्स को आप पढ़ोगे, याद करोगे तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। सैड, सैड मैंने उदास, उदास सैड का सिनोनिम होगा अनहैप्पी। डाउनवर्ड्स देख लेंगे आप, अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब है डरा हुआ होना, तो अफ्रेड का सिनोनिम है, लेट्स फाइंड आउट, स्केयर्ड, अफ्रेड मींस डरा हुआ, स्केयर्ड मींस भी डरा हुआ। क्लेवर, चालाक, स्मार्ट, क्लेवर का सिनोनिम स्मार्ट। सिली, सिली का मतलब होता है मूर्ख, तो सिली का सिनोनिम है फुलिश। नंबर सिक्स लाउड, लाउड का मतलब है काफ़ी ऊंची आवाज़ में, इसको हम नॉइजी भी बोल सकते हैं, जो बहुत शोर करता है। ह्यूज, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज का सिनोनिम है लार्ज। सो दिस वॉज योर क्रॉसवर्ड पजल। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटोनिम्स,
एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट वर्ड्स, विपरीतार्थक जिसको हिंदी में बोलते हो, अपोजिट वर्ड्स जिनके मीनिंग बिल्कुल अलग हो, उल्टा मतलब हो जिसका। तो यहाँ फिर दोबारा से 16 वर्ड्स दिए गए हैं। लेट्स फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ ईच वर्ड। नंबर वन इज फार। फार का मतलब होता है दूर, तो दूर का अपोजिट मीनिंग हम ढूंढेंगे इसमें क्या है। इसको फार को टिक करेंगे। द अपोजिट फॉर फार इज नियर। सेकेंड वन इज लूज। अभी मैंने आपको बताया लूज का मतलब है खो देना या कोई चीज घूम जाना, और लूज का अपोजिट है फाइंड। फाइंड मतलब कोई चीज मिल जाना, कोई चीज पाना। थर्ड वन इज फास्ट। फास्ट का मतलब तेज। अपोजिट ऑफ फास्ट इज स्लो। नंबर फोर हार्ड। हार्ड का मतलब है सख्त, इसका अपोजिट नरम। हार्ड का अपोजिट सॉफ्ट है। नंबर फाइव क्लीन। क्लीन का अपोजिट डर्टी। नंबर सिक्स प्राउड। प्राउड मतलब अभिमान होना, घमंड होना, इसका अपोजिट होगा हम्बल। हम्बल मीन्स विनम्र होना, पोलाइट होना। नंबर सेवन रूट। रूट आप जानते हो बेरुखी। रूट का अपोजिट पोलाइट। राइट, और राइट का अपोजिट क्या होगा, रॉन्ग। नेक्स्ट है एड यूएन और डिस इन द बिगनिंग टू मेक वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। किसी वर्ड के आगे अन या डिस लगाकर उसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बनाना। जैसे कि लकी, लकी का मतलब है भाग्यशाली, तो लकी का अपोजिट क्या होगा, अनलकी। नंबर टू सेफ। सेफ का मतलब क्या है, सेफ का मतलब सुरक्षित। अगर इसके आगे हम यूएन लगा देते हैं तो ये अनसेफ बन जाता है। अनसेफ का मतलब असुरक्षित। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार। ईमानदारी का इसके आगे अगर हम डिस लगा देंगे तो ये बन जाएगा डिसऑनेस्ट, तो ये इसका अपोजिट वर्ड बन जाएगा। फिट। फिट के आगे अगर हम यूएन लगा देंगे तो ये बन जाएगा अनफिट। ओबे। ओबे का मतलब है किसी की, किसी भी बात की पालना करना, आज्ञा पालन करना, तो इसके आगे अगर हम डिस लगा देते हैं तो ये बन जाता है डिसओबे, मतलब आज्ञा पालन नहीं करना। काइंड दयालु, अनकाइंड जो दयालु ना हो। कनेक्ट। कनेक्ट के आगे अगर हम डिस वर्ड लगा देंगे तो ये इसका अपोजिट वर्ड बन जाएगा डिसकनेक्ट। अपीयर। वी विल एड डिस विद अपीयर एंड इट विल बिकम डिसअपीयर। So these are the opposite words. When we add an or dis with these words, it makes opposite of that word. Now here is another crossword puzzle for opposite words. Let's find out. First we will see a cross. Rough. Rough means khurdra. The opposite word for rough is smooth. Right? Dull. Dull means boring. The opposite word for dull is interesting. 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 Next word is low. The opposite word for low is high. HIGH. Cheap. The opposite word for cheap is costly. Cheap ka matlab sasta, costly matlab mehenga. True. The opposite word for true is false. Downwards. नंबर वन वाइज। वाइज का मतलब समझदार, बुद्धिमान। द अपोजिट वर्ड फॉर वाइज इज फुलिश, मूर्ख। डार्क। द अपोजिट ऑफ डार्क इज ब्राइट। डार्क मैंने अंधेरा, ब्राइट मीन्स चमकीला, या डार्क का मतलब गहरा भी होता है, गहरे कलर को जैसे डार्क कलर बोलते हैं, तो डार्क का अपोजिट है ब्राइट। सिक। सिक मीन्स बीमार। द अपोजिट फॉर सिक इज हेल्दी। HEALTHY, healthy. Weak. Weak का opposite क्या होगा? Strong. Let's find out. Where is it? Yes. The opposite word for weak is strong. Light. Heavy. The opposite for light is heavy. Light मतलब हल्का, heavy means भारी. These are some compound words.
कंपाउंड वर्ड्स आर वर्ड्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ टू वर्ड्स, किन्हीं भी दो वर्ड्स को ज्वाइन करने से जो वर्ड बनता है उनको हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर एंड नून, आफ्टर और नून को जब कंबाइन कर देंगे इट विल बिकम आफ्टरनून एंड इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. आर्म प्लस चेयर, आर्म चेयर, राइट. सो हेयर आर गिवन सम वर्ड्स, बो डे बॉक्स मैट कप पी गोल्ड न्यूज फिश कॉक डोर रेन बर्थ बोर्ड मैच एंड पेपर. वी हैव टू ज्वाइन टू वर्ड्स एंड मेक अ थर्ड वन विच विल बी कंपाउंड वर्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बो, तो बो के साथ मैच करता हुआ हम वर्ड ढूंढेंगे यहाँ पर रेन. तो बो को जब रेन से कंबाइन करेंगे इट विल बिकम रेनबो. द नेक्स्ट वन इज डे, तो डे के साथ मैच करेंगे कौन सा वर्ड होगा, बर्थ, इट विल बिकम बर्थडे. बॉक्स वी विल मैच इट विद मैच, इट विल बिकम मैच बॉक्स, इसका मतलब माचिस होता है. मैट we will combine it with door, it will become doormat. जो पायदान रखते हो आप अपने रूम में पांव पहुंचने के लिए उसको doormat कहा जाता है. Next one is cup, we will join it with board, it will become cupboard. इसको cup board नहीं बोलते हैं, इसको cupboard बोलते हैं. Pronunciation की तरफ ध्यान देना. Next one is pea, pea plus cock, it will become peacock. Gold plus फिश, गोल्ड को फिश से कंबाइन करेंगे इट विल बिकम गोल्ड फिश. सिमिलरली न्यूज एंड पेपर, इट विल बिकम न्यूज पेपर, राइट. स्पेल मास्टर, स्पेल दीज वर्ड्स करेक्टली बाय फिलिंग इन डबल ई और ई ए. ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, इसमें किसी में तो डबल ई आएगा और किसी में ई ए आएगा, तो इनको फिल करके हमको करेक्ट वर्ड्स क्रिएट करने हैं. फर्स्ट वन इज के एंड पी, इट विल बिकम कीप, के डबल ई पी कीप. एस पी ई ए के स्पीक, टी आर ई ए टी ट्रीट. ट्रीट क्या होता है, किसी को दावत देना, जैसे आप पार्टी वार्टी करते हो फ्रेंड्स के साथ तो बोलते हैं ना ट्रीट, वी आर हैविंग, वी आर एंजॉइंग ए ट्रीट. स्लीप, एस एल डबल ई पी स्लीप. एस टी ई ए एम स्टीम, S H double E P sheep, C R E A M cream, N double E D need. आगे है anagrams. An anagram is a word formed by rearranging the letters of a given word. Anagram क्या होता है कि आपको एक word दिया गया है, उसके लेटर्स को आपको रीअरेंज करना है और उसमें से न्यू वर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है. फॉर एग्जांपल डियर एंड डेयर आर एनाग्राम्स ऑफ रीड. रीड एक वर्ड दिया गया है आपको, तो इसके लेटर्स को अगर आप उलट पलट कर दो, इसको रीअरेंज कर दो, ये लेटर्स को अगर हम डी के साथ हम ई ई ए आर लगा दें तो ये डियर बन जाएगा, और डी के बाद अगर ए आर ई लगा दें तो वो डेयर बन जाएगा. तो तीनों वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग हैं, तो ये दो नए वर्ड्स जो हैं ये पहले वाले वर्ड के एनाग्राम्स कहलाएंगे, राइट. फॉर्म एनाग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज. आपको क्लूज दिए गए हैं, क्लूज पढ़ने हैं और उनकी हेल्प से एक एनाग्राम क्रिएट करना है दिए गए वर्ड का. जैसे कि पहला वर्ड आपको दिया गया है ब्लीट, राइट. तो ब्लीट के लेटर्स को हम रीअरेंज करेंगे और नया वर्ड बनाएंगे, और नए वर्ड के लिए क्लू आपको दिया गया है. The clue is given to you. A piece of furniture. Furniture का एक piece होता है, तो bleed से हम बनाएंगे T A B L E table. Table जो है एक piece of furniture है. Next one is flow. F L O W flow. तो flow के लिए आपको दिया गया है a wild animal create करना है आपको इससे. W O L F wolf. वुल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया. तो थर्ड वन इज अर्थ, अर्थ दिया गया है आपको. इट पंप्स ब्लड इनटू द बॉडी, ये आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है. तो इसका बनाएंगे एच ई ए आर टी एच, तो ये बन जाएगा हार्ट. तो हार्ट आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है. नेक्स्ट वन इज लीस्ट,
लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे कम, तो इसका बनाएंगे एनाग्राम द अपोजिट ऑफ फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताजा, ताजे का उल्टा क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट वर्ड इसका, बासी, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेल, S-T-A-L-E, S-T-A-L-E, देख रहे हो इन एनाग्राम्स कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट वन इज आर्ट्स, आर्ट से हम क्या नया एनाग्राम बनाएंगे, वी सी इट एट नाइट, हम रात को इसको देखते हैं, रात को किसको देखते हैं, स्टार, S-T-A-R, स्टार। चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, तो इससे कौन सा वर्ड बनाना हमें, एक कोई जूसी फ्रूट, कोई भी जूसी फ्रूट, तो इन लेटर्स से फाइंड आउट करना हमें, तो पी ई ए सी एच, पीच, राइट। ये देखो ये दो तरह के वर्ड्स हैं, ये क्वाइट, बोथ आर कॉल्ड क्वाइट, इस क्वाइट का मतलब है सारे का सारा, पूरा, बिल्कुल, जिसको बिल्कुल बोलते हो आप, ठीक है, आई एम क्वाइट ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यूज करते हैं ना इसको। तो साइलेंट, साइलेंट वर्ड, साइलेंट का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल चुप, तो अगर हम इसके लेटर्स को रीअरेंज कर दें, इस ई को पीछे ले आएं टी के, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट, तो इसका मतलब हो जाएगा चुपचाप, कीप क्वाइट बोलते हैं ना हम, कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, तो उसमें ये वाला क्वाइट आता है, ठीक है। तो अगर हमने बोला हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो इसमें ये वाला क्वाइट, आई एम क्वाइट ओके, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम क्वाइट फाइन, राइट। डेंजर, डेंजर से एनाग्राम बनाएंगे, वेयर फ्लावर्स ग्रो, जहां पर फूल उगते हैं, तो फूल कहाँ पर उगते हैं, गार्डन में उगते हैं, तो देखो इनको रीअरेंज करो, जी उसके बाद ए आर डी ई एन, तो इट बिकम्स गार्डन। सो दिस वॉज द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स।